पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के 15 जनवरी 2022 तक मध्य प्रदेश में शराबबंदी करने की मांग का सज्जन सिंह वर्मा ने समर्थन किया। पूर्व मंत्री ने कहा, धनुपार्जन के और भी साधन है। इस मौके पर हाटपिपलिया के वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं स्थानीय प्रतिनिधि मौजूद रहे एवं सभी ने पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के बयान का समर्थन किया। साध्वी बोल रही है, कोई राजनेता बोलता तो मैं विश्वास नहीं करता, पर साध्वी यदि कोई बात बोल रही है, उसके जीवन का अनुभव अध्यात्म का यदि ये कहता है कि शराबबंदी होना चाहिए, तो उसी का उन्हीं के दल के मुख्यमंत्री हैं श्रीमान शिवराज सिंह चौहान। उस साध्वी की बात को शिवराज सिंह जी माना जाना चाहिए। कई और विषय है जहाँ से हम धनोपार्जन कर सकते हैं प्रदेश को चलाने के लिए। हम लोग, मैं व्यक्तिगत रूप से और मेरी टीम उमा भारती के संकल्प के साथ खड़े हुए हैं, और इस प्रदेश में यदि शराबबंदी लागू होती है तो हमारे प्रदेश की प्रगति में एक मील का पत्थर साबित होगी। अपराध कम होंगे, कई तरह की चीज़ें जो ग्राफ अपराध में नंबर वन है, बच्चियों के रेप में नंबर वन है, कम से कम उनमें कमी आएगी। देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से और मेरी टीम, मैं इसलिए समर्थन करता हूँ कि ऐसे विषयों पे किसी भी दल का व्यक्ति हो उसकी हौसला अफजाई की जाना चाहिए। अब सवाल ये है कि हम तो मान रहे हैं, अब उनके दल के हैं महान मुख्यमंत्री, वो कितना मानते हैं। एक साध्वी में इतना तप होता है, यदि हट पे आ जाए तो ऐसे कई मुख्यमंत्री इधर उधर होते हैं। हाटपिपलिया तहसील से नरेंद्र चौहान की ये रिपोर्ट।